नमस्ते दोस्तों, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही सिंपल डिलीशियस टेस्टी रेसिपी, यानी एग ऑमलेट। अंडे से हम ऑमलेट बनाने वाले हैं और ये ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिए 3 अंडे, 2 हरी मिर्च, 1 मीडियम साइज़ का प्याज और थोड़ा सा हरा धनिया। प्याज को हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे, हरी मिर्च को भी हम बारीक काट लेंगे और धनिए को भी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक कटोरी में प्याज, हरा धनिया और मिर्च को जो है चॉप कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर, क्योंकि हमने हरी मिर्च पहले ही ऐड कर दी है, तो लाल मिर्च जो है थोड़ा कम ही ऐड करेंगे। और स्वाद अनुसार नमक, यानी 1/2 छोटा चम्मच, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये चीज़ें मैंने पहले ही ऐड कर दी है, क्योंकि इससे जो है ये अच्छे से इसमें घुल मिल जाएगी और जो ऑमलेट का टेस्ट है वो अच्छे से आएगा। दूसरी तरफ जो है हम अंडे को तोड़ लेंगे। यहाँ मैंने 3 अंडे लिए, आप चाहो तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी ले सकते हो या फिर कम। सिर्फ आपको फिर अगर आप ज़्यादा अंडा लेते हो तो प्याज की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, हरी मिर्च की भी और नमक की भी। ये देखिए, अंडों को मैंने फोड़ लिया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी ये जो सामग्री मैंने तैयार करके रखी थी, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, लाल मिर्च, नमक, और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। आप चाहो तो पहले अंडों को अच्छे से फेंट लो, उसके बाद ये सामग्री इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे पहले नहीं फेंटा है, बाद में मैं इसे इस तरह से इसको अच्छे से फेंट लूंगी। इसे अच्छे से फेंटना है ताकि जो सारी चीज़ें हैं इस घोल में अच्छे से मिक्स हो जाए और जो ऑमलेट का टेस्ट है वो अच्छा आए। और दूसरी तरफ मैंने तवा गरम करने रख दिया है और ये लिया है रिफाइंड ऑयल, आप चाहो तो बटर या फिर घी का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सिंपल जो तवा होता है वो यूज़ किया, आप चाहो तो नॉन स्टिक तवे का यूज़ कर सकते हो। तवे को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ऑयल से, तवे को अच्छे से गरम कर लेंगे और फ्लेम को जो है हम बिल्कुल लो कर देंगे। इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे सेकेंगे और जितनी क्वांटिटी आपको जो है लेनी है उतना आप डाल सकते हो तवे पे। मैंने यहाँ पे 3 eggs लिए, तो मैं यहाँ पे 3 omelet बनाऊंगी और इस तरह से कच्ची की हेल्प से इसे हल्का सा फैला लेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, हल्का सा थिक रहने देंगे। और मीडियम फ्लेम पे, सॉरी लो फ्लेम पे इसे हमें 1 मिनट के लिए एक तरफ से सेकना है। हल्का सा जो है ऑयल स्प्रेड कर लेंगे। एक मिनट बाद आप चेक कर सकते हो कि अंडा एक तरफ से जो है फ्राई हुआ या नहीं। तो ये देखिए, 1 मिनट के बाद मैं इसे इस तरह से पलट दूंगी और दूसरी तरफ से भी इसे 30 से 40 सेकंड के लिए हम लो टू मीडियम फ्लेम पे सेक लेंगे। फ्लेम इसके लिए बिल्कुल लो या लो टू मीडियम होना चाहिए। अगर आप हाई फ्लेम पे सेकोगे तो अंडा जल जाएगा और टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा अच्छा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और ऑयल इस पे स्प्रेड करूंगी। इसे हल्का हल्का प्रेस करूंगी। और इसे दूसरी तरफ पलट लेंगे। हल्का सा प्रेस करेंगे दोबारा। तो ये देखिए, हमारा जो एग ऑमलेट है बिल्कुल तैयार है। इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से मैं दूसरा ऑमलेट तैयार करूंगी और ब्रेकफास्ट के लिए परफेक्ट रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है। और मैंने यहाँ पे बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया है।
तो ये देखिए हमारा जो ऑमलेट है ये तैयार है, इसे भी प्लेट पे निकाल लेंगे। तो हमारा जो ऑमलेट है बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। तो ये देखिए गर्मा गर्म आप इसे सर्व करें और इन्जॉय करें। अगर आपको मेरी ये सिंपल रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप इसे ब्रेड के साथ खा सकते हो, चपाती के साथ खा सकते हो या फिर एज इट इज़ आप सॉस के साथ इसे सर्व कर सकते हो।